Dear students, assalamu alaikum. Today my topic is digestion. So far as the digestion is concerned, digestion means digestion is a process in which insoluble food is converted into soluble form by the action of various digestive enzymes. Digestion in man starts from mouth. In mouth, food mixes with saliva secreted by the salivary glands in the mouth. During the digestion, during the grinding of food in mouth, under the teeth, food mixes with saliva. Saliva contains enzymes. Saliva is a juice secreted by three pairs of salivary glands. Parotid gland, submaxillary gland. There are three types of these salivary glands. Saliva contains enzyme that is called ptyalin. Ptyalin converts starch into maltose sugar. Saliva also lubricates the food. From mouth, food passes into stomach through esophagus. This is the esophagus. From here, esophagus, food passes into the stomach. Now we will come to here digestion in stomach. In digestion in stomach, food remains for several hours. Here, food remains for several hours. Here, food mixes with gastric juice. Gastric juice contains the enzymes pepsin and renin. इसमें दो एंजाइम होते हैं स्टोमक में जो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस में दो एंजाइम होते हैं. ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये गैस्ट्रिक वाल्व से होता है. स्टोमक में जो वाल्व है वहां से आता है. पहला जो एंजाइम है इसमें दैट इज पेप्सिन. पेप्सिन क्या काम करते हैं? पेप्सिन चेंजेस प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स. ऊपर से जो कोई प्रोटीन आता है उसको पेप्टोन बनाता है ये पेप्सिन. और जो रिनिन होता है, रिनिन कर्ल्स द मिल्क. रिनिन मिल्क को कर्ल करता है बाय एक्टिंग ऑन द मिल्क प्रोटीन कैसिन. ये मिल्क प्रोटीन कैसिन पर काम करती है रिनिन एंजाइम. एक्सचेंजेस इनटू कैसिनोजिन. ये कैसिन को कैसिनोजिन बनाती है. हियर फूड चेंजेस इनटू हियर फूड चेंजेस फ्रॉम अल्कलाइन मीडियम इनटू एसिडिक मीडियम. जो स्टोमक जो होता है, स्टोमक में फूड एसिडिक होता है. जो ये मीठा फूड होता है ये एसिडिक बन जाता है क्योंकि इसमें एसिडिक जूस मिल जाता है. फ्रॉम स्टोमक फूड एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहां से फूड स्टोमक में कुछ घंटे रहकर फिर यहां से बाहर निकलता है, जाता है ड्यूडेनम में. डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहां से फिर हम शुरू करेंगे डाइजेशन फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन ड्यूडेनम फूड मिक्सेस विद बाइल. व्हाट इज बाइल? बाइल इज ए जूस. दिस बाइल इज सीक्रेटेड बाय लिवर एंड रेड. दिस बाइल रिमेन स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर ओपनस इनटू ड्यूडेनम बाय कॉमन बिलियरी डक्ट. इसमें एक छोटा सा डक्ट होता है, एक नाली जैसी होती है इस गॉल ब्लैडर में. वो उस नाली की वजह से उसमें से ये जूस जाता है किधर? ड्यूडेनम में. इस जूस को कहते हैं जो लिवर से सीक्रेट होता है उसको कहते हैं बाइल. बाइल में कोई एंजाइम नहीं होते. बाइल एमल्सिफाइज फूड. ये इस फूड को एमल्सिफाई करता है, नरम करता है. इन ड्यूडेनम फूड मिक्सेस विद द पिनक्रियाटिक जूस. पिनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सिलिवरी एमाइलेज एंड लिपेस एंजाइम्स. जो पिनक्रियाटिक जूस होता है ये पिनक्रिया से निकलता है. पिनक्रिया से जूस आता है ड्यूडेनम में थ्रू पिनक्रियाटिक डक्ट. इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम है ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, सिलिवरी एमाइलेज है, लिपेस है. ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन चेंजेस प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स. ऊपर से कोई भी प्रोटीन अगर मौजूद हो उसको ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड बनाते हैं. इससे छोटा बनाता है, प्रोटीन से भी छोटा बनाता है. जो सिल्वरी एमाइलेज होता है, सिल्वरी एमाइलेज चेंजेस माल्टोस शुगर. सिल्वरी एमाइलेज चेंजेस स्टारच इनटू माल्टोस शुगर. अगर कोई भी स्टारच पार्टिकल ऊपर से अभी मौजूद हो उसको ये बनाता है माल्टोस शुगर. कौन? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. लिपेज चेंजेस लिपेज चेंजेस फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. लिपेज चेंज करते हैं फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. मैं यहां पर फिर बताता हूं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है ये चेंज. ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन चेंजेस प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स. ये प्रोटीन को पेप्टाइड बनाते हैं. और सिल्वरी एमाइलेज चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टोस शुगर. अगर कोई भी ऊपर अभी स्टार्च का पार्टिकल मौजूद हो, स्टोमक से निकला हो और इंटेस्टाइन में पहुंचा हो, उस स्टार्च पार्टिकल को माल्ट सिल्वरी एमाइलेज चेंज करते हैं किसमें? माल्टोस शुगर में.
lipase changes fats into fatty acids and glycerol. इसमें जो और एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड लिपेस लिपेस चेंजेस fats into fatty acids and glycerol. There is a type of small, there are some types of glands also in the small intestine. These are called Bernard's glands. These Bernard glands secrete a juice that is called sex enteric. Sex enteric completes the final digestion. What happens in small intestine there when final digestion completes by the Bernard's gland? Finally, the digested food is absorbed by the villi in small intestine. Small intestine में छोटे छोटे जो capillary vessels होते हैं, इनमें food जो digested food है वो इनमें absorb होता है, and undigested food passes into the large intestine. वो जो food digested नहीं होता है वो चला जाता है large intestine में. Large intestine का दूसरा नाम है colon. Small intestine का दूसरा नाम है ileum. Colon helps in the absorption of water. Colon जो है ये food में जो water है उसको absorb करता है undigested food में. From colon, undigested food passes into rectum. यहां से food rectum में चला जाता है. Where from it is digested out. फिर वहां से बाहर चला जाता है through anal pore. That is called anus. This is the digestive system or the eliminatricular. This is the mouth. Here food enters into the during the in mouth food there food mixes with the saliva. Saliva contains ptyalin. Ptyalin changes food into maltose sugar. This is the oesophagus. Oesophagus swallows the food. It is the stomach. Here remains food for several hours and changes into chyme. Now food enters into the duodenum. Here it mixes with the bile. Bile is secreted by liver. It remains stored in the gallbladder. Now here also food mixes with the pancreatic juice secreted by pancreas. After digestion in the duodenum by the action of different enzymes, food passes into the small intestine. This is the small intestine. In small intestine, there occurs complete digestion of food. The digested food is absorbed by villi. The undigested food passes into the large intestine. This is the large intestine. This large intestine is called colon. This large intestine helps in the absorption of water. Now the undigested food enters into the rectum and is finally thrown out through anus. This was about the digestive system in man. Thanks.